पुरुष जिनके वीर में शुक्राणु नहीं बनते उनकी सबसे अच्छी दवा है ये लौंग। उनको लौंग का पानी कहो रोज पिए, और एक लौंग का तेल भी आता है बाजार में, तो एक बूंद लौंग का तेल एक चम्मच गर्म पानी में डाल के रोज पिए तो इतने शुक्राणु बनते हैं वीर में, हमें कई बार चमत्कार लगता है मुझे। ऐसे कई पुरुष जिनके 10-10 साल से शादी के बाद बच्चे नहीं हो रहे थे यही एक कारण से, उनको मैंने 3 महीने लौंग का तेल दिया एक एक बूंद, और अभी सब बाप बन गए। हाँ, मतलब ये है नपुंसकता की सबसे अच्छी दवा है ये लौंग। बहुत बढ़िया है ये लौंग, कफ में खांसी में कई जगह काम आती है, बुखार में भी काम आती है। और एक दो दवाएं ऐसी बताता हूँ, जैसे ये लौंग है ना, ऐसी एक और दवा है अपने घर में, वो भी नपुंसकता को ठीक करती है, चूना। ये पान में जो हम चूना खाते हैं ना, ये चूना गेहूं के दाने के बराबर दही में मिला के किसी को भी खिलाओ, वीर में शुक्राणु बहुत बनते हैं। और गन्ने के रस में खिलाओगे तो और अच्छा परिणाम है इसका। चूना गेहूं के दाने के बराबर, गन्ने का रस आधा गिलास, बहुत अच्छी दवा है। माताएं भी इसको ले सकती, जिन माताओं के शरीर में अंडे नहीं बनते, ओव्यूलेशन का प्रॉब्लम है, ओवम का प्रॉब्लम है, उनको चूना खिलाओ गन्ने के रस में, बहुत बढ़िया दवा है।